पटना नगर निगम और बिहार सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए ठंड के मौसम में जगह जगह पे रैन बसेरा का सुविधा दिया गया है। अभी मौजूद हैं आर ब्लॉक पे, जहां पे 2400 घंटे सुविधा देने की बात की जाती है वहां पे ताला लगा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना है कि देखिए यहां पे किस तरह से रैन बसेरा में ताला लगा हुआ है। ठंड के मौसम में अक्सर पटना नगर निगम और बिहार सरकार के द्वारा ये योजना किया जाता है, जहाँ पर ठंड में बाहर इंसान ना सोए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, तकिया, गद्दा, शुद्ध पेयजल, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और ये खासकर निःशुल्क है। तो जो लोग बाहर सोते हैं, गर्मी के दिन में तो बाहर सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ठंड के टाइम में जिस तरह से शीत गिरती है और बिहार का जो मौसम लगातार बदल रहा है, अभी किस तरह से ठंड पड़ रही है, उसमें लोगों का हाल, जो आम लोगों का तो हाल बेहाल है ही, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास घर छत नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए ये सब सुविधा दिया गया है बिहार सरकार और पटना नगर निगम के द्वारा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पे 2400 घंटे सुविधा की बात यहाँ पे हो रही है सरकार के द्वारा, लेकिन ताला लगा हुआ है, जिसके वजह से जो लोग, आम लोग होंगे जो यहाँ पे आकर सुविधा का लाभ उठाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे भी तो ताला देखेंगे लगा हुआ। किस तरह की व्यवस्था दी गई है, साफ तौर पे ये दिखाई जा रही है। आज साल का पहला दिन है और उसमें ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पे आकर रहना चाहते होंगे या फिर तबीयत खराब हो और कोई आसरा चाहिए होता है, फिर यहाँ पे ताला लगने के कारण वो यहाँ पे आ नहीं सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि 4 बजे खुलेगा, 5 बजे खुलेगा, टाइम ऐसा फिक्स नहीं बताया गया कि आखिरकार कब खुलेगा। लेकिन यहाँ पे जब सुविधा की बात करें तो 2400 घंटे सुविधा देने की बात की गई है, वहाँ पर इस तरह का चीज़ें जो सामने आ रही है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके के होते हैं, जो रिक्शा चलाते हों या फिर जिनके छत नहीं होता है सर पे, वो लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनके लिए ये सुविधा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आर ब्लॉक का ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख रहे हैं, जहाँ पे निःशुल्क सुविधा की तो बात हो रही है, पटना नगर निगम और बिहार सरकार के द्वारा तो इतने काम किए जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है लोगों के लिए रहने के लिए रैन बसेरा का, वहाँ पे इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। कह सकते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं वो अब ये सुविधा कैसे उठाए, कितने बार यहाँ पे रुक के कितने घंटे इंतज़ार करेंगे, उसके बाद उनको यहाँ का ताला खुलेगा, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। क्या इसी के लिए नगर निगम के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा ये रैन बसेरा रखा गया था, जहाँ पे एक तरफ तो बोलते हैं 2400 घंटे सुविधा और दूसरी तरफ इस तरह से ताला लगा हुआ है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही। तो देखना लाजमी रहेगा कि ये खबर देखने के बाद क्या कुछ रिएक्शन होता है और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ताला लगा हुआ है, ताला लगना अभी के लिए अलाउड नहीं है ठंड के मौसम में। तो बने रहे न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।